हेलो। सो मेरे चैनल पे इससे पहले इस तरह की कोई अपडेट या वी नीड टू टॉक टाइप वीडियो कोई भी नहीं है जिसमें मैं अपने कंटेंट के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, और शायद इस वजह से मैं इसको पिछले 6-7 महीने से डिले करता आ रहा हूँ। बट आई थिंक अब 2020 एक न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, और उससे पहले मेरे ख्याल में मुझे ये सारी चीज़ें शेयर कर लेनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, इस तरह की पहली वीडियो है तो कम लोग देखेंगे शायद कम्पेयर टू द अदर वीडियोज, लेकिन जो लोग देखेंगे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना प्लीज़, और इस वीडियो पर जितना हो सके फीडबैक देना, लाइक कमेंट्स में ओपिनियन, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई सजेशन है, कुछ भी हो, जस्ट लाइक फीडबैक देना है। और कमेंट्स से रिलेटेड भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपडेट वीडियो है, कि बहुत सारे मुझे पता होते हैं जो साइलेंट व्यूअर्स होते हैं, जो वीडियो देखते हैं हर वीडियो, शायद नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस की हुई है और लाइक भी करते हैं बट कमेंट नहीं करते। सो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, इवन इफ इट्स जस्ट अ डूडू, यू नो, थम्स अप एंड नाइस, गुड, कुछ भी, जस्ट कमेंट कर दिया करो, ट्रस्ट मी, इट मीन्स अ लॉट। सो जो चेंजेस हैं उनमें से सबसे पहला है कॉन्टेंट से रिलेटेड है, और हाँ, मैं एक नोटपैड से पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कंटेंट से रिलेटेड। इस तरह कि मैंने 2019 में कहा था कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, 1, 2, 3, 4 के अलावा मैक्सिमम। बस ये बोलो 2019 डिड नॉट गो एज प्लान एट ऑल, लेकिन इस साल मैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली मेन कंटेंट कहीं नहीं जाएगा, लाइक इतना मैं स्टूपिड नहीं हूँ कि जिस वजह से मेजॉरिटी ने सब्सक्राइब किया मैं उसको एकदम छोड़ के और एक नई तरफ चला जाऊँ। हो सकता है कि रेगुलर कंटेंट ज़्यादा आता रहे जिस तरह पहले से आ रहा, और बीच में 1, 2, कुछ 10 वीडियो के बाद जाके डिफरेंट आए, वो भी इतनी डिफरेंट नहीं है कि मैं बीच में यहाँ पर बैठ के ट्यूटोरियल आपको बना के बताऊँगा कि जी पावर पॉइंट कैसे बनाना है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ मैं अभी इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि फिर हर वीडियो जब मैं ट्राई करता हूँ उसके स्टार्ट में या एंड में मुझे लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये रेगुलर वीडियो से हट किया है, लेकिन रेगुलर कंटेंट कहीं नहीं जा रहा। तो मैं एक ही दफ़ा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज 1, 2, 3 वीडियोस बीच में डिफरेंट आ रही है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब किया वो कहीं जा रही है। और ये भी जो बीच बीच में नई चीज़ें ट्राई करना है, बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं कर पाते, शायद इसी वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक रिस्क होता है कि आपका चैनल जो है ना वो लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक 3, 4, 5 लाख आपके सब्सक्राइबर्स ना हो तब तक आपको नई चीज़ें नहीं ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता करो। बट अगर मैं यही बनाता रहूँगा तो मुझे पता है मैं बोर हो जाऊँगा। अभी जो मैं बना रहा होता हूँ वो जेनरली मेरा इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं उस टॉपिक में, लेकिन अगर यही मैं कंटिन्यूसली करता रहूँ तो इवेंचुअली मैंने बोर हो जाना है, और फिर वो वीडियो फोर्स्ड होनी है और फिर मुझसे बननी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में स्किल होती है जो उन्हें कॉन्टेंट पसंद नहीं है वो तब भी बना लेते हैं क्योंकि डिमांड है ऑडियंस की। बट आई विश कि मेरे पास वो स्किल होती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना पाता उस तरह, बट मुझे इंटरेस्ट अपना मेंटेन रखना है। मेरा चैनल मेरे नाम पे है, लाइक कोई बीच में ब्लॉग या प्रैंक या रोस्ट नहीं है, ताकि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकूँ। इसलिए चैलेंज वीडियोस, वीडियो एसेज और कॉमेंट्री के जो टॉपिक्स है उसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है जो कि कभी कभार आता है कॉमेंट, लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कभी कभार आता है भाई तेरी वीडियोज़ क्या है, रिएक्शन है, रोस्ट है, कॉमेंट्री है। यार देखो, अगेन वही बात आ जाती है कि हर वीडियो का एक जैसा स्टाइल होना ज़रूरी नहीं है, और मैं ये चीज़ देख रहा भी होता हूँ कि कोई बड़ा क्रिएटर है या मेरे जितने चैनल का अगर कोई है, हो सकता है उसका कंटेंट मुझे ना पसंद हो, लेकिन वो नई चीज़ अगर ट्राई कर रहा है तो उस चीज़ पे मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। बट मैंने देखा है कॉमेंट्स में कुछ लोग होते हैं, अब तेरे पास कॉन्टेंट नहीं रहा, अब जब कॉन्टेंट नहीं होता तो तब ऐसे चवली मार है। भाई जब वो नई चीज़ ट्राई करेगा तो जाहिर सी बात है पहली दफ़ा में उससे परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर आप बार बार उसे बोल रहे हो कि रोस्ट वीडियो बना, रोस्ट पे रोस्ट बनाता जा, तो वो भी बोर हो जाएगा इवेंचुअली, और आपने भी कहना यार वही वीडियो होती है, एक टॉपिक है उसके ऊपर ये बोला और वीडियो एंड। सो जब कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो उसको ऑनेस्ट फीडबैक दिया करो, ये नहीं है कि लाइक उसको मक्खन लगाओ, बट एटलीस्ट उसको इनकरेज किया करो नई चीज़ ट्राई करने पर, तभी नई तरह के वैरायटी आएगी कंटेंट पे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ। एक और जो पॉइंट पहले वाले थोड़ा सा रिलेटेड है कि तुम्हारा स्पेसिफिक कंटेंट क्या है, तुम अपनी वीडियो से क्या हासिल करना चाह रहे हो, लोगों को हंसाना चाह रहे हो, इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, एजुकेट करना चाह रहे हो जी, या क्या है। देखो अगेन बात वही आ जाती है, मैंने अपने नाम भी इस वजह से रखा है कि मैं वैरायटी चीज़ें कर सकूं। एक वीडियो का एक पार्ट बिल्कुल सीरियस भी हो और दूसरी तरफ मैं बीच में जोक्स मार रहा हूँ, बेशक ठंडे हैं, जो भी है, मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होना चाहिए ये जो चैनल है, ये कॉन्टेंट है। अगर आप मुझे एक रोबोट बन के वो करना चाहते हो तो वो भी आसान है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो, कि जो लोग देखना चाहते हैं उस लिहाज से अपनी पर्सनैलिटी को वो कर लो, और एंड में क्या होता है फिर आप खुश नहीं होते उस कंटेंट से, ना सब्सक्राइबर से। एक वीडियो मेरी हो सकता है बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे हो और दूसरी में मैं जस्ट ट्रोल कर रहा हूँ या लाइक मजाक, शुक्र मेला ये हो रहा है,
बट एक और मैं चीज़ रियलाइज़ की है कि अभी हमारे यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म जिस डायरेक्शन में है उसमें एंटरटेनमेंट जो कंटेंट है, एंटरटेनमेंट वैल्यू वाला, वो ज़्यादा चलता है। और कभी कभी मुझे नोटिस होता है कि जिस तरह अब ये वीडियो, अब ये तो शुगर मेरे के लिए नहीं है, ये जस्ट बातें हैं, लेकिन कुछ वीडियो में मैं भी कभी कभी बहुत सीरियस चला जाता हूँ मैसेज में। और जाहिर सी बात है, एज अ व्यूअर अगर मैं देखूँ तो उसमें अगर ना हंसी आ रही है ना कुछ एक्सपोज हो रहा है कि जिससे थोड़ा सा शॉक वैल्यू ऐड हो, सिर्फ अगर बातें हैं या ओपिनियंस है तो बोर हो सकता है। सो उस चीज़ पे आई प्रॉमिस मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी उसमें थोड़ा सा ह्यूमर ज़्यादा ऐड करूँ, इफ़ दैट्स वॉट पीपल वॉन्ट वॉच, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करते हुए कि क्या लोग देखना चाहते हैं और उस वीडियो से मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है इनकन्सिस्टेंसी, जो कि 2019 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे चैनल पे। और लोगों का भी यही होता है कि मतलब एक हफ्ते में दो वीडियो डालो, तुम एक महीने में दो डाल रहे हो, चैनल तुम्हारा स्टेज पे, तुम्हें ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए, अभी बड़ा चैनल नहीं है। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि लोग ये चीज़ कंप्लेन क्यों करते हैं। मैं भी अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एज अ व्यूअर, अगर वो बंदा एक महीना चार वीडियो डाल रहा है ठीक है, और फिर अचानक से वो एक महीने के लिए गायब है, फिर वो आता है दो तीन वीक्स डालता है फिर गायब हो जाता है, सो आप कहते हैं यार ये बंदा जो है ना मतलब क्या शुगर मेला लगाए हुए इसने, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। बट मैंने चीज़ पहले ही बोली, ये माई एजुकेशन इज़ माई प्रायोरिटी। तो जब एग्जाम्स आते हैं कभी कभी ऐसा होता है 3 वीक में एक एग्जाम है, एक टेस्ट है, और उसकी तैयारी मैंने की हुई है, लेकिन जब तक मेरा माइंड उस चीज़ पे फोकस्ड है मुझसे वीडियो नहीं बनेगी, मैं नहीं बना सकता उस चीज़ पे। तो अब मैंने एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये होता है लाइक मेरे अपने माइंड में जब तक वो परफेक्शन ही आ जाती है उस वीडियो में, चाहे क्वालिटी वाइज नहीं, कैमरा क्वालिटी वाइज नहीं, लाइक जो मैंने उसमें बोलना है या जिस तरह एडिट करना है, तो मैं अपलोड नहीं कर पाता, वरना उस टाइम में शायद मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। और लाइक अभी मेरा एक ये चीज़ है तो सच नहीं, लेकिन लोगों का एक होता है कि 5 मिलियन है या मिलियन वाला सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है उससे एक एक्सपेक्टेशन और है जी, 50K वाले से और है, हालांकि क्वालिटी उससे मैटर नहीं करती। बट अब मेरा ये है कि मैं कोशिश किया करूँगा कि अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो परफेक्ट रिजल्ट तो कभी आना नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ जी इस चीज़ को मैं अपने चैनल पर डालने को तैयार हूँ, मैं कोशिश किया करूँगा कि वो डाल दूँ। उसके बाद जो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जिसका मकसद कोई नहीं है, लेकिन कुछ दफ़ा मैं इनकन्सिस्टेंट अपनी मर्जी से नहीं होता। इंटरनेट पे अब आपको भी पता है हर दूसरा टॉपिक 18+ हैं, गालियाँ हैं, या ऐसा टॉपिक है जो कि आप एक फैमिली ऑडियंस के साथ नहीं शेयर कर सकते, उस पर आप बात नहीं कर सकते। हो सकता है आप जो बात कर रहे हो वो तो जाहिर सी बात है मैं गाली नहीं दूंगा वीडियो में आके, मेरा कॉन्टेंट ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो टॉपिक ऐसा हो सकता है और हर दूसरा टॉपिक ही ऐसा है, तो फिर वो मिस आउट हो जाता है। और वो जाहिर सी बात है जो ट्रेंडिंग पे है उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ने हैं, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आने हैं। अब वहाँ पर मैं वो वीडियोस डाल रहा हूँ जो कि पॉपुलर चैनल भी अगर नहीं डाल रहा क्योंकि उस पर व्यूज़ कम आने हैं, तो इट मेक सेंस कि वो चैनल भी स्लोली ग्रो करेगा और उस पर व्यूज़ भी कम आएंगे। बट अब मैं लाइक अगर एक चीज़ जो मुझे नहीं करनी वो सिर्फ मैं इस वजह से करूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे खुशी होगी या आप लोग भी देख के आपको होगा। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से कई ने इस वजह से सब्सक्राइब किया होगा कि फैमिली फ्रेंडली चैनल है। इसके अलावा और कुछ इश्यूज होते हैं जिस तरह डिमोनिटाइजेशन होगी या नोटिफिकेशन ना जाना, पर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कॉन्टेंट बनाना या चेंज करना, सो उससे अगर मैं वक्ती तौर पर डिमोटिवेट होता भी हूँ तो आई मूव ऑन। और डिमोनिटाइजेशन का ट्रस्ट में पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है एड रेट क्या है, सो वो इस वजह से नहीं होता। फिर मसला वही होता है कि डिमोनिटाइज हुई ये वीडियो तो आप लोगों की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और पाकिस्तान और इंडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा लोग नोटिफिकेशन पर रिलाई करते हैं वीडियो देखने के लिए। सो नोटिफिकेशन का यही है कि ऑल पे क्लिक कर लो, क्योंकि थोड़ा चेंज करते रहते हैं ये लोग। सो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं हमेशा वो दे देता हूँ पहले, लाइक मैं बता देता हूँ कि वीडियो आ गई है नहीं या आ रही है। और हाँ, ऑल पे क्लिक करके आप ये कर सकते हो, बट बाकी हाँ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा उनसे चैट की है, बहुत दफ़ा मेल की है, वो यही कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा एंड में मैं यही कहूँगा कि अपलोड करते हो गलती करते हो, आप सीखते हो। 3-4 चैनल होते हैं कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स के वो फेल होते हैं, उसके बाद उनको जाके मिलती है, बट लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आती। लोग समझते हैं हाँ भाई तू तो बड़ा लकी है, तेरा पहला चैनल चल गया। सो वो चीज़ भी मुझे पता है, तो इस पर मैंने जो गलतियाँ की हैं या जो करता आया हूँ उनका आगे जाके कुछ ना कुछ अफेक्ट भी होता है, बट उससे सीख के मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। या एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी मेकिंग कॉन्टेंट, मैं वीडियोज बनाता रहूँगा। बाकी यार मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन ये दिल की बातें थी जो मैं सारी शेयर करना चाहता हूँ एक दफ़ा, ताकि मैं इसको आई कैन पुट दिस आउट देयर, और उसके बाद मैं जस्ट अपने कॉन्टेंट पर फोकस करूँ, कोई बैरियर ना हो कि भाई ऑडियंस को नहीं बताया ये वो। प्लीज़ बेयर विद मी, लाइक तुम छट के नहीं जाना ठीक है, जस्ट स्टे हियर एंड मे बी इसको एक न्यू जर्नी बोल सकते हो या वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और
Thank you for watching, and I will see you soon. Allah Hafiz.